नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GPS.RG पे। मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा, कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। सरकारें भी इस संबंध में बहुत गंभीर हैं, और सरकारें कितना गंभीर हैं अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लॉकडाउन जारी रहने तक राजस्थान सरकार ने एक नया फैसला लिया है, क्योंकि अभी मार्च अप्रैल में जो बोर्ड परीक्षाएं और जनरल परीक्षाएं होती हैं उसके संबंध में ये जो फैसला लिया गया है इसके बारे में बताने जा रहा हूं मित्रों मैं आपको। लॉकडाउन जारी रहने तक अग्रिम फीस नहीं ले सकेंगे स्कूल। देखिए मित्रों, सरकार ने कहा है कि कुछ विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय जो आगामी फीस लेते हैं अप्रैल माह में पूरी सेशन की, तो वो फीस अब नहीं ले सकेंगी। आगे के सेशन की फीस नहीं ली जाएगी, और 10वीं 12वीं को छोड़कर शेष स्कूली छात्र कर मनोनीत होंगे। मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। मित्रों, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं के बचे हुए पेपर हैं वही पेपर लगेंगे, बाकी के पेपर रद्द कर दिए गए। इस साल वार्षिक परीक्षाएं नहीं होंगी, और मैं आपको पूरी जानकारी सुनाता हूं पढ़कर। जयपुर 9 अप्रैल को ये खबर दी है, प्रेस नोट जारी किया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के जारी रहने तक प्रदेश के सभी स्कूल संचालकों और विद्यार्थियों से 3 माह की अग्रिम फीस नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। विद्यार्थियों के हित में यह फैसला करते हुए उन्होंने कहा है कि फीस के अभाव में किसी छात्र का नाम नहीं काटा जाए। साथ ही 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं वाले विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य सभी स्कूली विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाए। देखिए दोस्तों, ये क्रमोन्नत करने के आदेश दिए हैं कि उन्हें सीधा ही अगली कक्षा में भेज दिया जाए, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को छोड़कर, और उनसे फीस के अभाव में नाम नहीं काटा जाए, क्योंकि वर्तमान हालात को देखते हुए ये अभिभावकों की आमदनी का सोर्स भी बहुत कम हो चुका है। इस कारण फीस का नहीं लेने के लिए एक बार स्टे लगाया है। श्री गहलोत गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान स्कूलों, कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक सत्र की स्थिति और आगामी सत्र की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूलों और कॉलेज में यथा संभव ऑनलाइन लेक्चर तथा ई लर्निंग की व्यवस्था की जाए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे और वे घर पर रहकर भी समय का सदुपयोग कर सकें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें एजुकेशन प्रदान की जाए, ये ऐसा निर्देशित किया गया है। तकनीकी विश्वविद्यालयों के 8वीं सेमेस्टर की परीक्षाएं प्राथमिकता से, जो तकनीकी विश्वविद्यालय हैं उनके 8वीं सेमेस्टर की परीक्षाएं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस के निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सभी उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा से जुड़े संस्थानों में 15 अप्रैल से ग्रीष्म अवकाश घोषित किया जा सकता है। 15 अप्रैल से ग्रीष्म अवकाश घोषित किया जा सकता है, ये देखिए दोस्तों। लेकिन स्कूलों में 15 अप्रैल से ग्रीष्म अवकाश नहीं होगा। साथ ही राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के संबंध में लॉकडाउन हटने के बाद 8वीं सेमेस्टर की परीक्षाएं प्राथमिकता से करवाने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन हटने के बाद 8वीं सेमेस्टर की परीक्षाएं सबसे पहले करवानी हैं, इनको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि बाकी सेमेस्टर की परीक्षाएं अगले साल उनको जनरल प्रमोशन देकर भी करवाई जा सकती हैं। लेकिन जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनकी परीक्षाएं करना बहुत ज़रूरी हो गया है सरकार के लिए। परीक्षाओं के शेड्यूल को आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए 5 सदस्यीय समिति, हाँ दोस्तों देखिए, 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है
आगामी सत्र में निर्णय लेने के लिए कॉन्फ्रेंस में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं के शेड्यूल के निर्धारण के लिए एक 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो लॉकडाउन हटने के बाद परीक्षाओं और आगामी शैक्षिक सत्र के संचालन के बारे में सुझाव देगी। समिति में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयराना विश्वविद्यालय और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति तथा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा और शासन सचिव उच्च शिक्षा शामिल हैं। सभी के कक्षाओं की किताबें ऑनलाइन उपलब्ध। देखिए दोस्तों, सभी कक्षाओं की किताबें ऑनलाइन उपलब्ध, इनके संबंध में क्या लिखा है ये पढ़िए, पढ़ता हूँ मैं। शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि सभी कक्षाओं की किताबें ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी गई हैं। अब विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कंटेंट तैयार करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि घर पर रहकर भी बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी गई हैं सभी किताबें, यदि किसी की किताबें उपलब्ध नहीं हो तो। ई कंटेंट के लिए यूट्यूब चैनल तैयार। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बताया कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में मिड सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन पूरी कराई जा चुकी हैं। विद्यार्थियों को ई कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए एक यूट्यूब चैनल तैयार किया गया है, जिस पर 600 से अधिक लेक्चर अपलोड किए गए हैं। अध्यापकों को अधिक से अधिक ई कंटेंट तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कॉन्फ्रेंस के मुख्य सचिव श्री डीबी गुप्ता, शासन सचिव उच्च शिक्षा श्रीमती सुचि शर्मा, शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती मंजू राजपाल और आयुक्त कॉलेज शिक्षा श्री प्रदीप बोरड़ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। देखिए दोस्तों, ये उसी के संबंध में बताया गया है। सभी अधिकारी और वहाँ पे मौजूद थे, और ये राजस्थान सरकार ने ये फैसला लिया है। ये पूरा प्रेस नोट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। और 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी, 8वीं कक्षा की भी बोर्ड परीक्षाएं चल रही थी वो भी रद्द कर दी गई हैं। 5वीं बोर्ड परीक्षा होनी थी उसको भी रद्द कर दिया गया है इस साल के लिए। तो ये सरकार का एक बहुत बड़ा निर्णय है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे बताने का प्रयास कीजिए, मैं आपकी हेल्प के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो प्रदान करने का प्रयास करूँगा। gps.rg पे आपका हार्दिक स्वागत है। आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद दोस्तों।